अक्षम की मोहब्बत हो तुम, अगर तुम चली जाओगी तो बेरंग हो जाएगी उसकी जिंदगी। सौम्या भी मेरे भाई की मोहब्बत, एक बहन होने के नाते कोई भी बहन ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके भाई की जिंदगी बेरंग हो जाए। और अब मैं तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाली हूँ, समझे तुम? जबान संभाल कर बात करो राहिला, बस इतना बताने के लिए फोन किया था कि नाजिया घर आ गई है। और पापा की सिर्फ एक शर्त है, अदन सोमिया को तलाक दे। नाजिया की फिक्र तुमसे ज्यादा इसे होनी चाहिए जिसे रिश्ते की नजाकत का एहसास नहीं है। नाजिया ने इस चीज का हौसला दिया है मुझे कि किसी के दबाव में आए बगैर हर रिश्ते को निभा सकूं। मैं ना सोमिया को छोड़ना चाहता हूँ ना ही शीरिन को, और इस चीज की इजाजत मेरा मजहब भी मुझे देता। हाँ, चाहे तुम्हारी बहन को तलाक हो जाए। राहिला हातिम को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी उससे। हातिम ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर हातिम से इंतकाम लेते लेते राहिला बहुत दूर निकल गई।